में सैन्य लामबंदी से हड़कंप मचा हुआ है। आम नागरिक रूस छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान रूस और जॉर्जिया बॉर्डर पर लंबा जाम भी लग गया। ये जाम इतना बड़ा है कि 3 दिनों से लोग जाम में फंसे हुए हैं। बताया गया कि सड़क पर जाम लगने के बाद लोग पैदल ही रूस बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इतना बड़ा, इतना भारी जाम। मौसम भी प्रतिकूल है, लेकिन आप देखें, कम से कम 3 दिनों से सड़क के एक तरफ आप देख रहे हैं कितना बड़ा चक्का जाम हुआ हुआ है। इतना बड़ा ट्रैफिक जाम कि 3 दिन तक गाड़ियां आगे नहीं बढ़ी। इस बॉर्डर पर लोग बॉर्डर पार कर उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। दागिस्तान भी अपना बॉर्डर, दागिस्तान भी इसी तरफ है। जॉर्जिया के करीब ही दागिस्तान वाला रिपब्लिक भी है और वहां से भी लोग जॉर्जिया जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देश को छोड़कर कहीं और जाकर बसने की कवायद कर रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं रूसी। अब सुई घूमकर वापस वहीं आती है कि अगर आपके पास 2.5 करोड़ से ज्यादा की रिजर्व फोर्स है तो फिर लामबंदी क्यों, 3 लाख रिजर्व फोर्स की जरूरत क्यों? आइए आपको समझाते हैं कि पुतिन 3 लाख सैनिकों की लामबंदी के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहला मकसद व्लादिमीर पुतिन का है कि जनमत संग्रह के नाम पर वो 4 यूक्रेनी इलाकों को रूस में मिलाना चाहते हैं। मैंने आपको कहा था डोनेट्स्क, लुहांस्क, मारियुपोल, खेरसान, ये पूरी पट्टी जो है इसको वो डोनबास ऑफेंसिव के तहत इसको करना चाहते हैं ताकि रूस गर्म पानी के महासागर यानी ब्लैक सी से जुड़ जाए। अब दूसरी वजह यह है कि पुतिन जंग में सैनिकों को हुए नुकसान की भरवाई करवाना चाहते हैं। एक वजह यह भी है कि पुतिन इस आदेश से खतरनाक दिखने की भी कोशिश करना चाहते हैं और अपने आप को, अपने पोजीशन को और मजबूत करना चाहते हैं। चौथी वजह यह है कि सैन्य लामबंदी का दुनिया में विरोध होगा और रूस के लिए न्यूक्लियर हमले का रास्ता खुलेगा, ताकि वो एक कहे कि देखिए हमारी संप्रभुता पर आ गई है, हमें इस टेरिटरी को बचाना है, मेरे पास लोग नहीं है तो फिर मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे न्यूक्लियर अटैक करना पड़ा। पांचवी बड़ी वजह यह है कि पुतिन अमेरिका और पश्चिमी देशों को इस फैसले के जरिए कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि मैं नहीं झुकूंगा, रूस नहीं झुकेगा। रूस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए कि रूस अमेरिका के द्वार पहुंचा है या नेटो के बहाने अमेरिका उसके द्वार तक पहुंचा है, यही रूस का पॉइंट ऑफ व्यू है कि तुम यहां क्या कर रहे हो भाई, यहां से पीछे हटो, यहां युद्ध बंद हो जाएगा। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जब से पुतिन ने यूक्रेन के नए टुकड़े करने का ऐलान किया है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं। घूम फिर कर मामला यहीं पर आने वाला था, 6-8 महीने लगेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स ने जब युद्ध शुरू हुआ तब भी ये कहा था। रूस ने ड्रोन से हमलों के लिए ईरान की मदद ली और ईरान के ड्रोन से ही यूक्रेन में तबाही मचानी शुरू कर दी गई है। तो ज़ेलेंस्की ने सोचा कि ईरान की दुश्मन का दुश्मन उनकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त माना जाता है। इसलिए ज़ेलेंस्की ने फौरन इसराइल को फोन लगाया और ईरान के ड्रोन अटैक को रोकने के लिए इसराइल से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर डाली, लेकिन इसराइल ने ज़ेलेंस्की को मदद करने से मना कर दिया। अब ज़ेलेंस्की टेंशन में है कि भाई ड्रोन को भिड़ने के लिए, ड्रोन को काउंटर करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम इसराइल के पास है और इसराइल भारत की भी मदद कर रहा है कि भारत कैसे अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन इसराइल ने वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को कहा भाई हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध अब अय्यारों वाला मुकाबला बन चुका है। साजिश इतनी ज्यादा है कि कोई अब किसी पर यकीन नहीं कर सकता। देखिए ये धमाकों ने यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ईरान के ड्रोन किसी भी जगह, किसी भी वक्त अपनी मर्जी से हमला कर रहे हैं। इन धमाकों ज़ेलेंस्की भूल गए कि उनके दुश्मन रूस के इसराइल से कैसे रिश्ते हैं। इसराइल रूस का दुश्मन तो कतई नहीं है। ऐसे में इसराइल क्यों अपने आयरन डोम जैसे हथियार देकर पुतिन को नाराज करना चाहेगा?
यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था तब रूस के एयर स्ट्राइक से घबराए जेलेंस्की ने दुनिया के हर कोने से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी थी। कीव, मारियोपोल और खारकीव में ऐसे ऐसे अटैक हुए कि जेलेंस्की की नींद उड़ गई। ऐसे में शुरुआत में ही ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि यूक्रेन इसराइल से हथियार ले सकता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। यूक्रेन के लिए इसराइल के हथियारों का जो स्टेटस फरवरी और मार्च 2022 में था, जेलेंस्की के लिए वही स्टेटस सितंबर 2022 में भी कायम है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट और डॉशे वेले की खबर दोनों बता रही हैं कि युद्ध की शुरुआत से ही जेलेंस्की इसराइल से हथियार मांग रहे थे, लेकिन उन्हें मिले नहीं। अब सवाल है कि आखिर जेलेंस्की के पास ऑप्शन क्या बचे हैं, क्योंकि डॉनबास के इलाके में राजशुमारी से ये साफ हो चुका है कि वहां की जमीन पर अब रूस का पूरी तरह कब्जा हो चुका है और पुतिन अब वहां से पीछे हटने वाले नहीं है। लोहांस और डोनेस्क पर भी पुतिन की वैसी ही हुकूमत चलेगी जैसी वो 2014 से क्राइमिया पर कर रहे हैं। Недоговороспособность западных стран на продолжение киевским режимом войны против собственного народа не оставили нам иного выбора, как признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и начать специальную военную операцию с целью защиты русских и других жителей Донбасса и устранения угроз нашей безопасности, которые НАТО... ड्रोन के हमलों के साथ साथ डॉनबास में पुतिन का राजशुमारी वाला अटैक, ये बात जेलेंस्की हजम नहीं कर पा रही हैं। वैसे उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है।